Buy one get one free on all lipsticks. So mostly Mac, Nykaa और भी बहुत amazing brands पे buy one get one free लगा दिया ना. I was like wow. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज ऐश्वर्या. कैसे हो आप? सो आज की वीडियोस में मैं दिखाऊंगी कि मैंने अमेजोन, नायका या कुछ जगहों से क्या क्या न्यू क्यूट मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदे. क्यूट भी कह लो, ट्रेंडिंग भी कह लो, न्यू लॉन्च भी कह लो, कुछ भी कह लो. सो हो क्या रहा है कि इस जुलाई मंथ में, इस मानसून वेदर में बहुत नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं. कुछ अच्छे लॉन्च हो रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं. जैसे नायका में ऑफर्स मिल रहे हैं, अमेजोन में ऑफर्स मिल रहे हैं. सो मैंने उस ऑफर्स को बस ले लिया. सो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या खरीदा एंड क्या पर्पस था उनका खरीदने का, और ऑल्सो उनके प्राइसेस क्या थे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो होता क्या है कि जो हम प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर करे, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ना थोड़ी चीज़ों में ऑर्डर करे. तो मोस्टली क्या होता है, कभी अमेजोन से, नायका से वो स्प्लिट होके आते हैं. तो स्प्लिट होके आने में कुछ टाइम लग जाता है. कभी कभी सेल ऑलरेडी फिनिश हो चुकी होती है, बट हमें प्रोडक्ट्स लेट मिलते हैं. सो इसलिए हम वीडियोस लेट डालते हैं. सो मैंने क्या किया कि जैसे नायका में बहुत अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं, एंड ऑल्सो लास्ट 2 डेज में 28 एंड 29 जुलाई में नायका ने एक नया ऑफर लॉन्च करा, विच इज़ लाइक बाय वन गेट वन फ्री ऑन ऑल लिपस्टिक्स. सो मोस्टली मैक, नायका और भी बहुत अमेजिंग ब्रांड्स पे बाय वन गेट वन फ्री लगा दिया ना. आई वाज लाइक वाओ, इतने अच्छे ऑफर्स कैसे? सो मैंने तो ऑलरेडी जैसे कि बहुत सारी वीडियोस में मैंने बहुत सारे ऑलरेडी नायका से ऑफर्स से कुछ चीज़ें मंगा ली थी. किसी में बाय वन गेट वन मंगा लिया था, किसी में कुछ मंगा लिया था. एंड देन आई वाज लाइक नो, लिपस्टिक्स तो रहती हैं. सो लिपस्टिक्स भी मैंने मंगवा ली. सो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी मैंने नायका से क्या मंगाया, एंड देन विल मूव ऑन टू अमेजॉन. सो ये है गाइज मेरा नायका का फर्स्ट ऑर्डर. सो नायका का ये ऑर्डर मुझे आज ही रिसीव हुआ है, जबकि मैंने इसको 2 डेज अगो ऑर्डर करा था इसका. एंड जैसे कि मैंने बताया कि बाय वन गेट वन फ्री आ रहा ऑन ऑल लिपस्टिक्स. जैसे कि बहुत सारे नायका पे अप टू 60% ऑफ, अप टू 70% ऑफ, किसी में बाय टू गेट वन एंड किसी में बाय टू गेट 50% ऑफ थे. उसी के तरीके से जैसे कि 1 और 2 डेज में नायका ने ऑफर रखा था बाय वन गेट वन फ्री ऑन ऑल लिपस्टिक्स. एंड आई वाज लाइक वाओ, ये बहुत अच्छी डील है. एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे, गो फॉलो. एंड मैंने वहां पे ऑलरेडी ही लिंक शेयर कर दिया था, आप सबको बता दिया था कि नायका पे बहुत अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं. सो ग्रैब अ डील. आई डोंट नो किस ने खरीदा, किस ने नहीं खरीदा, बट आई ऑलरेडी हैव दैट. सो ये है लिपस्टिक्स जो कि मैंने मंगवाई, एंड ये वही लिपस्टिक्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, या मैं सोच रही थी कि हाँ खरीदूं या नहीं. तो ये मैंने मंगवाई 4 लिपस्टिक्स, एंड 4 लिपस्टिक्स लाइक मैंने पे करा सिर्फ और सिर्फ 2 का. एंड ऑल्सो फर्स्ट ये अलग अलग ब्रांड से आई हैं, बट इनके पैकेजिंग आई मस्ट से, पिंक इज माई फेवरेट कलर. एंड जिस तरह से बार्बी लॉन्च हो रहा है, पिंक 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 हर जगह से देखने को मिल रहा है गाइज. तो ये पिंक इज लाइक ओ गॉड, ऐसा कोई चीज हो ही नहीं सकती कि मैं बार बार ना गिरा. पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी प्रॉश ब्यूटी. अगर आपने नहीं सुना, इट्स अ प्लूम ब्यूटी. एक्चुअली इट्स अ प्लूम ब्यूटी जो कि अब रिफॉर्म्ड होके हो गई है प्रॉश ब्यूटी. एंड ये कुछ इस तरीके से दिखती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही है. ये पिंक पैकेजिंग में आया है, एंड आई थिंक ये पैकेजिंग भी चेंज हुई है. पहले इस तरह की पैकेजिंग बिल्कुल भी नहीं थी, एंड पहले प्लूम था. बट आई थिंक अगर मुझसे बात करो या मुझसे पूछो, आई वुड से प्लूम नेम ज़्यादा बढ़िया था देन प्रॉश. I don't know, it should be like oh my gosh or something, but Prosh, ठीक है. So it says luxury satin lipstick and luxury matte lipsticks. तो मैंने वहाँ पे अलग अलग लिपस्टिक्स आती हैं, तो उसमें बुलेट लिपस्टिक्स भी थी एंड मैट लिपस्टिक भी थी, सारी लिपस्टिक्स थी. बट जो मैं प्रॉश लिपस्टिक्स का यूज़ कर रही हूँ वो है फेमस वन विच इज़ अ लिप ग्लॉस. एंड ये मैंने बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ में भी डाला है कि कौन सी प्रॉश ब्यूटी का लिपस्टिक्स है जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो ऑलमोस्ट 8 आवर्स तक चलती हैं. येस, वो मैंने खुद यूज़ करी हैं, मुझे उसकी शाइन बहुत अच्छी लगती है, एंड वो हर कलर, हर इंडियन स्किन टोन पे जाने के लिए परफेक्ट है. सो येस, ये मैंने मंगाया प्रॉश का. 2 लिपस्टिक्स बाय 1 गेट 1 फ्री। इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे दे दूंगी ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अगर आप इसका 1 लिपस्टिक लेते हो तो इट वाज लाइक अराउंड 650 और समथिंग, बट जैसे मैंने 2 लिए देन आई हैड टू पे लाइक 750 और समथिंग, आई एम नॉट श्योर, जो इसके स्क्रीनशॉट दे दूंगी। अगर आप ए लेते हो तो डेफिनेटली 15-20% का ऑफ था। अगर आप 2 लेते हो तो आपका रियल जो MRP था उस पर आपको 2 मिलती है। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो लेट्स गो एंड अनबॉक्सिंग। मुझे इतने अच्छा लगता है ना कि मुझे अनबॉक्सिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बट ऑल्सो मुझे उसको इंटैक्ट करना अच्छा लगता है, कि सजा के रखना अच्छा लगता है। उससे यूज करने में ना लगता है ओके ओके गाइस। सो जो लिपस्टिक मैंने मंगाई है, दिस हैज बीन माय आई थिंक 3rd लिपस्टिक। सो ये है प्रॉश की लिप ग्लॉस इन द शेड ग्लो गेटर। Guys, this is my most favorite lipstick. Why? First talk about ये nude skin tone पे, I mean nude भी pinkish mauvish nude है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। मैं इसको हमेशा वेडिंग में या ओकेजन्स पे लगाना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज इसकी शाइन बिल्कुल भी नहीं जाती है। मैंने इसको वेडिंग पे लगाया था, सबको टचअप करने की जरूरत पड़ गई थी, बट आई डोंट थिंक मैंने एक बार भी टचअप किया हो। इतना खाया, इतना स्टे करा, सब कुछ था, 8 आवर्स तक तो चला था। एंड दिस शेड ग्लो गेटर इज माई फेवरेट। मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम नायका के सेल हॉल में भी मंगाया था। एंड दिस इज माई 3rd लिपस्टिक गाइज, एंड दिस इज माई फेवरेट। स्वॉचेस के लिए आप स्टे ट्यून्ड, आई विल स्वॉच नेक्स्ट टाइम जो जो मैंने न्यू प्रोडक्ट्स लिए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा लेना है। सो दिस इज अ ग्लो गेटर। सो नेक्स्ट वाला ये था कि हमेशा से मैंने ग्लो गेटर ही यूज करा था, बट दिस टाइम आई वांटेड टू ट्राई अनदर शेड फ्रॉम द सेम प्रॉश ब्यूटी। मुझे बुलेट लिपस्टिक्स इतनी अच्छी नहीं लगती, बट इसीलिए मैं इसका ये वाला चूज करना चाहती थी। सो दिस इज द न्यू शेड आई ऑर्डर्ड, इट्स कॉल्ड किंडा फेमस, किंडा काइंड ऑफ फेमस। सो येस, दिस इज लाइक अ काइंड ऑफ लाइट न्यूड, बट मोर लाइक अ पिंक मूविश शेड। ये कुछ इस तरीके से दिखता है गाइज। ये मैंने आपके लिए स्वॉच कर दिया, बट आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स वेट। दिस इज हाउ इट लुक्स, इट्स अ काइंड ऑफ फेमस। अब मैं ग्लो गेटर भी कर ही देती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे स्वॉच करने में, बट यस। सो ये है गाइज, ये है आपका ग्लो गेटर एंड दिस इज किंडा फेमस। आई जस्ट लव दीज 2 कलर्स। मुझे ना ग्लो गेटर तो हमेशा से ही पसंद था। अब देख रहे हो ये बहुत न्यूडिश शेड में, और ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड लुक एट द शाइन, कितना अच्छा लग रहा है। अगर सोचो हाथों में इतना अच्छा लग रहा है तो लिप्स पे कितना अच्छा लगने वाला है। सो येस, दीज 2 शेड्स आई ऑर्डर्ड। ये दोनों अलग हैं। ग्लो गेटर इज मोर लाइक अ न्यूड एंड काइंड ऑफ फेमस इज मोर लाइक अ पिंकिश टोन, कूल पिंकिश टोन। सो जिस तरह से मेरे बहुत फ्यू ब्रांड्स हैं लिपस्टिक्स के जिसपे मैं प्रॉपर रिलाई कर सकती हूँ, मतलब आंखें बंद करके कि आई एम लाइक ठीक है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड मैं बहुत बार उनको रीपरचेज करती आ रही हूँ, बिकॉज दे हैव बिकम माय फेवरेट, माय गो टू लिपस्टिक्स। एंड उसी की तरह से जिस तरह से प्रॉश ब्यूटी का ग्लो गेटर इज माय गो टू फेवरेट, उसी तरीके से आई हैव बीन इंट्रोड्यूस लेटली टू अ न्यू ब्रांड विच इज कॉल्ड लव अर्थ। येस गाइज, ये लव अर्थ की मेरी लिपस्टिक है, ऑल दो मैं यही सेम लिपस्टिक लगाए रखी हूँ। दिस इज फ्रॉम लव अर्थ इन द शेड एस्प्रेसो मार्टिनी एंड दिस क्लेम्स टू बी अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग गाइज। यू कैन सी दैट बिल्कुल भी नहीं। दिस इज लाइक माई फेवरेट। मैंने इसके 3 शेड्स मंगाए थे लव अर्थ के, एंड वैसे तो ये 99 रुपीज़ या 899 की एक लिपस्टिक थी, बट देर वॉज एन ऑफर गोइंग ऑन जिससे मुझे ये 300 रुपीज़ की एक लिपस्टिक पड़ी। सो आई हैड पेड लाइक 1,900 फॉर 3 लिपस्टिक्स एंड आई वॉज लाइक वाओ। जब मैंने ट्राई करा, इसका वॉन्ट बहुत अच्छा लगा, सब कुछ। सो तब से मैंने ये जो 3 लिपस्टिक्स लगाई है ना लव अर्थ की, आई वाज लाइक ठीक है, जो भी है लव अर्थ की लिपस्टिक्स आर अमेजिंग। एंड देन मैंने अपनी सिस्टर को भी लव अर्थ का लेके दिया, वो था पैक मिनी 9 और 12 लिपस्टिक्स का छोटा सा पैक। वो जब ट्राई करा आई वाज लाइक ओके, अब तो मेरा लव अर्थ पे ट्रस्ट ही 1000% बढ़ चुका हुआ था, बिकॉज मैंने ट्राई करा। दिस वाज लाइक ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रिकमेंडेड माई सिस्टर लव्ड इट, सो नाउ आई बॉट अनदर other lipsticks from Love Earth. This is very cute packaging, guys. Look at this. It's a Love Earth का lip gloss. मेरे पास ऑलरेडी मैट लिपस्टिक्स हैं. मेरी सिस्टर ने भी मैट लिपस्टिक्स ली थी जो कि पैक आता है पूरा 9 और 12 लिपस्टिक्स का 999 में. एंड दिस इज अ लिप ग्लॉस. मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो सो आई थॉट कि लेट्स ट्राई. एंड ऑल्सो ये बाय वन गेट वन लिपस्टिक में थी. फर्स्ट बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की. आई लव दिस पैकेजिंग गाइस. पैकेजिंग इज सो गुड. सो नाउ लेट्स ओपन. Wow, first and foremost talk about this is so sleek. And let's swatch it. This is in the shade Beautiful Thing. This is how it colors. This is the color, guys. And ये है हमारा lip gloss. I just love it. It's called Beautiful Thing. Now move on to the next one. So the next one I ordered, it's called Angel Kisses. I mean I love कि जैसे ब्रांड बहुत अच्छे अच्छे नेम दे देते हैं. I just love that. ये भी मैंने थोड़ा सा न्यूड शेड में ही मंगाया. And this is how it looks like. I'm not sure ये कैसा लगेगा. But I think I have now 4 kind of nude shades and all. And ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है. ये है Angel Kiss and ये है Beautiful Thing. ये और अगर मैं बात करूं इन दोनों की, ये बिल्कुल अलग है. ये ग्लो गेटर अलग, ये अलग, सारे अलग हैं. कहने को तो न्यूड और पिंक शेड आती है, बहुत बहुत वेरिएशंस होते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूड शेड्स, न्यूड पिंक शेड्स, न्यूड मोव शेड्स, न्यूड 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 शेड, ब्राउन न्यूड शेड्स, गाइस बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे अलग अलग शेड्स आते हैं. सो आई डोंट थिंक कि मेरे पास कुछ ऐसा होगा जो सेम अलग ब्रांड का हो बट उनके शेड सेम हो. आई डोंट थिंक सो बिकॉज जिस तरीके से आई जस्ट ट्राई कि सबके शेड्स अलग होने चाहिए. एंड आई एम ग्लैड कि ये दोनों भी लिप ग्लॉस टाइप हैं, ये दोनों भी लिप ग्लॉस हैं एंड इनके शेड्स बिल्कुल भी मैच नहीं करते. हाँ, अगर मैं बात करूँ एंजल केसेस थोड़ा सा सिमिलर टू दिस वन बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज ये वाला तो नहीं मैच कर रहा बिल्कुल भी. बट येस, सो ये थे गाइज मेरे लव अर्थ के एंड प्रॉश ब्यूटी के बाय वन गेट वन के फ्री लिपस्टिक्स. सो दिस इज द अनदर पैकेज फ्रॉम नायका. छोटे 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 पार्सल्स में आता है नाम. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज दिस वन. ये है मार्स का अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर. वैसे अगर मैं बात करूँ मेरे पास मार्स के कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं थे एंड मार्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर के रिव्यूज़ अच्छे थे तो आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई बिकॉज मैं वैसे इनसाइट का यूज़ कर रही थी एंड मैक का. तो फॉर द अफोर्डेबल वन आई वॉन्टेड टू गो दिस वन. एंड ये है हमारा मार्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर. एंड ये कुछ इस तरीके से दिखता है. ये है मार्स का इसका कुशन. एंड ये बिल्कुल ही वाइट ट्रांसलूसेंट है. एंड मैं इस पर बिल्कुल भी मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा है बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स. और इसके जो है प्राइस 250-300 के अराउंड है. स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे. सो यू कैन गो इट आउट. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बात करें अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की तो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में वी हैव मार्स, वी हैव स्विस एंड वी हैव इनसाइट कॉस्मेटिक्स जो कि बहुत अमेजिंग अफोर्डेबल बजट में सबके लिए फॉर एवरीवन अच्छे अच्छे रेंजेस में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ऐसे लेके आते हैं. एंड trust me, I do not complain on this because इतने अच्छी चीज़ें. because when I talk about sugar cosmetics का dupe निकाला Insight ने, sugar cosmetics के बहुत सारे dupe निकाले Insight ने and बहुत सारी चीज़ें Swiss ने भी निकाली. सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में ये 3 ब्रांड्स बहुत अफोर्डेबल जाते हैं. एंड एज ऑफ नाउ आई वांट टू हैव समथिंग कि अफोर्डेबल भी होना चाहिए. सो इस बार मैंने वो सब चीज़ें खरीदी जो कि मेरे पास नहीं थी. आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई. ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं खरीदी, बहुत अफोर्डेबल खरीदी. तो उसी में मैं ये कहूँगी कि ये ऑलरेडी बहुत पहले लॉन्च हो चुका हुआ ब्लू हेवन का जूसी लिप वॉन्ड लिप ग्लॉस है, लिप प्लम्पिंग वॉन्ट. एंड इसकी पैकेजिंग हमेशा से मुझे बहुत अच्छी लगी है. ब्लू हेवन के मैं कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ. व्हेन वी टॉक अबाउट कंसीलर, फाउंडेशन है ऐसा एंड सो ऑन. और अभी ये कुछ इस तरह से लगता है. एंड आई लव दिस लुक. आई मीन ब्लू हेवन ने बहुत अच्छी पैकेजिंग करी है. पिंक एंड ब्लू इज़ वेरी नाइस. एंड अगर आप देखो तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ये जो शेड है ये है मूव टिंट और ये है प्लम्प ग्लॉस. मुझे इसकी पैकेजिंग अच्छी लगी, इसका प्राइस अफोर्डेबल लगा एंड इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। मैं उसी पे ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों। एंड लुक एट दिस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मुझे ना बहुत बुरा लगता है जो मुझे ना हैंड्स पे स्वॉच करना पड़ता है, बट ये कुछ इस तरह से है। मुझे इसका शेड अच्छा लग रहा है, बट आई बिलीव दैट इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो बहुत ज़्यादा ही कम होगी। आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, बट आई एम रियली एक्साइटेड। सो इन सब के जो रिव्यूज़ होंगे उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हर एक के रिव्यूज़ आपको दिए जाएंगे, ऑनेस्ट रिव्यूज़। एंड नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये है हमारा इनसाइट का लिप लाइनर। जैसे मैंने बोला, इनसाइट के लिप लाइनर्स बहुत अफोर्डेबल होते हैं, लाइक 66-69 रुपीज़ में आपको क्या चाहिए। आई डोंट थिंक कि लिप लाइनर्स में मुझे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, बिकॉज आई लाइक टू गो अफोर्डेबल। क्यों इतने एक्सपेंसिव चीज़ें करना, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हम उसी में ही लेना, लग्जरी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जो हमें लगता है कि अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, रादर देन वेस्टिंग मनी ऑन टू समथिंग। मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अफोर्डेबल जाओ, ज़्यादा क्वांटिटी में ले लो। वही 3000 की चीज़ अगर आप किसी में ले रहे हो, जैसे शार्लेट टिलबरी या नार्स या कुछ, डेफिनेटली फॉर श्योर जाना भी चाहिए, मैं भी जाती हूँ। बट अगर हमारा वो काम ही नहीं है तो 3000 में हम वो चीज़ें खरीदें जो कि हम डेली बेसिस पे कैजुअल वेयर में या पार्टी के लिए वही चीज़ें ले सकें। सो इसलिए मैंने इनसाइट लिया। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी माई थर्ड लिप लाइनर एंड ये भी बहुत अफोर्डेबल था नायका पे। इसका शेड कुछ इस तरीके से लगता है। मेरे पास जो थे वो थे स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर्स, मेरे पास इनसाइट का था नहीं, और ये कुछ इस तरीके से लगेगा। एंड ये थोड़ा सा डार्क मरूनिश टाइप में है। सो या दिस इज़ इट। मैंने ये इसलिए करा ताकि मैं इसको लिप ग्लॉसेस के साथ या लाइट कलर्स के साथ इसको अच्छे से पेयर अप कर सकूं, इसका अच्छा लिप कॉम्बो बना सकूं, बिकॉज मेरे पास न्यूड है बट न्यूड डजंट वर्क आउट विद एवरीथिंग। सो आई वांटेड टू हैव समथिंग थोड़ा सा डार्क हो, बिकॉज आउटलाइन अगर आपकी थोड़ी सी डार्क है और अंदर से आपने ओम्ब्रे इफेक्ट दे रखा है, दैट इज़ प्रिटी गुड। सो ये था इनसाइट का। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी गाइज। तो ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो कि मैंने नायका से मंगवाए थे एंड मुझे बहुत अच्छी डील में मिले थे इसके। एंड नाउ अब मैं शो करूंगी कि मैंने अमेजोन से क्या मंगवाया। ये है गाइज मेरा अमेजोन का प्रोडक्ट, अमेजोन की ये पैकेजिंग। इसमें मैंने मंगवाया सबसे अच्छा जो अभी न्यू लॉन्च हुआ है, और मैं भी थोड़ा सा टाइम हो गया उसको, ये है MyGlamm का सुपर सिरम फाउंडेशन। इसका जो शेड मंगवाया है वो मैंने मंगवाया इन द शेड बिस्किट। आई वॉजंट श्योर कि कैसा है, बट आई एम हैप्पी कि इसका जब मैंने स्वॉच करा तो थोड़ा सा मेरे फाउंडेशन का कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, और ये कुछ इस तरह से लग रहा है। मुझे इसकी पैकेजिंग ना बहुत सिमिलर सी लग रही है। आई थिंक इसकी पैकेजिंग बिल्कुल स्विस ब्यूटी से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने लास्ट टाइम हॉल करा था, स्विस ब्यूटी से बहुत ज़्यादा मैच करती है इसकी पैकेजिंग एंड ऑल। सो ये कुछ इस तरीके से दिखता है एंड इट्स फॉर लाइक 600-699 समथिंग, और मुझे मिला इसका 600 में प्राइस। और इसके अंदर SPF 30 भी है, बिकॉज ये न्यू लॉन्च है और बहुत ज़्यादा MyGlamm में ये अच्छा सीरम फाउंडेशन बताया गया है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड इसको ट्राई करने में कि देखते हैं कैसा जाता है। सो या वेट फॉर इट। सो ये था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो अमेजोन से मैंने खरीदा। एंड नाउ लेट्स वेट फॉर द लास्ट वन. नाउ वेट फॉर द लास्ट वन. सो लास्ट वन आई हैव इज दिस वन. इट्स अ MyGlamm का अल्टीमेट वॉट लॉन्ग स्टे मैट लिपस्टिक. सो इसकी कुछ इस तरह से पैकेजिंग है। कुछ MyGlamm प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे निकलते हैं, एंड जो इसकी लिपस्टिक्स हैं, आई हैव लाइक 12-13 लिपस्टिक्स तो फॉर श्योर होंगी मेरे पास ना, एंड आई लव दैट। मेरे पास ऑलमोस्ट एवरी वेरिएशंस की हैं, एंड MyGlamm इज़ द ओनली ब्रांड जिसमें सबसे ज़्यादा शेड्स अवेलेबल है लिपस्टिक्स में। कोई भी एक ऐसा ब्रांड नहीं है। इसमें तो थोड़ा सा भी नुआंस भी होता ना, पिंक लिपस्टिक्स में या ब्राउन लिपस्टिक्स में या न्यूड लिपस्टिक्स में, वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। येलो, पिंक, ब्लू, हर तरह के लिपस्टिक्स आपको MyGlamm में मिल जाएंगे, विच आई रियली लव दैट अबाउट MyGlamm। सो ये MyGlamm का, इसकी पैकेजिंग बहुत शीक मुझे अच्छी लगी। एंड जो मैंने शेड मंगवाया वो है बॉम्ब शेल गाइज, एंड ये कुछ इस तरीके से लगता है। आई वॉन्टेड टू हैव समथिंग थोड़ा सा डार्क लिपस्टिक्स बिकॉज आई थिंक अब हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं, शादी होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस विद डार्क लाइनर एंड देन touch of this red lipsticks, and it's kind of a more like a dark maroonish shade, but I just love it कि ये कितना सुंदर लग रहा है। Oh God, मैं और ऊपर नहीं जाना चाहूँगी, मुझे डर लग रहा है कि मैं तोड़ ना दूँ इसको, but I think we have enough। मुझे लगता है ये तो ख़त्म नहीं होने वाला इतनी जल्दी for sure, and it claims to be the long-lasting matte lipstick। एंड आई एम एक्साइटेड कि मैं इसको ट्राई करके देखूंगी कि कैसा लगता है कैसा नहीं, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और ये है इसका स्वॉच, बट फेस पे कैसा लगेगा आई हैव टू सी अबाउट दिस, एंड आपको भी उसके लिए देखना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग माई इंस्टाग्राम, गो चेक आउट माई इंस्टाग्राम, बिकॉज सारी जो चीज़ें होती हैं मैं वहाँ पे सबसे पहले डालती हूँ। थोड़ा सा यूट्यूब में पहले बाद में आता है क्योंकि यूट्यूब में सारा हॉल बन के आता है, वहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का रिव्यू आता है। सो येस, दिस इज इट। MyGlamm से लिया मैंने ये दो चीज़ें। मैं सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट्स इट गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इसी तरह से प्यार देते रहिए, इसी तरह से ग्रो करती रहूँगी मैं। एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।